नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। आप सभी का स्वागत है गणेश टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मोबाइल की स्क्रीन, जो आप लोग मोबाइल देख रहे हो, इसके स्क्रीन को कितने प्रकार से आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो दोस्तों, तो आपको अपना मोबाइल स्क्रीन ट्यूटोरियल के थ्रू समझाने के लिए बहुत ही बार जरूरत पड़ती होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन तरीके बताऊंगा ऐसे, जैसे कि आप अपना मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करके अपने ट्यूटोरियल बना सकते हो। तो कैसे करते हैं सारे चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा प्रॉपर सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे नए हो तो कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे प्रेस। इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेगी। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को इस साइड में अपना मेरा मोबाइल स्क्रीन चालू होगा और तीन तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। अब अभी आप लोगों को जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, उस एप्स का नाम है एमोजिन करके लिखा हुआ है। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में। काफी आसानी तरीके से आप इसमें अपना स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों SSER करके है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं चलूंगा यहाँ पे प्ले स्टोर में। जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च करूंगा SCR, मैं इतना ही सर्च कर लेता हूं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लिक कर देता हूं। तो आपको यहां पे बहुत सारे ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगा जो कि बेस्ट है, आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा और काफी अच्छा वीडियो क्वालिटी आपको देगा। मैं आपको दूसरा रिकमेंड करूंगा, ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर जो ये नीचे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सबसे बेस्ट है। उसके नीचे जितने भी है सारे आपका स्क्रीन को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करता है और आप अपना ट्यूटोरियल को बना सकते हो। ये हो गया दोस्तों, एक तो मैंने ये जो आप लोगों के स्क्रीन में घूम रहा है ये वाला है, और दूसरा जो ये मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ये है। तीसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तीसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके फोन में ही होता है। तो तीसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन में तो होता ही है एक्चुअली, लेकिन जो भी हर मोबाइल में, आप आजकल 4G फोन में हर फोन में होता है। तो ये आपको सेटिंग में जाना है, या तो मेरा फोन है Redmi Note 8 Pro है, तो इसमें मेरा को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा, ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। इसमें भी किस प्रकार से स्क्रीन रिकॉर्ड होता है देख लीजिए, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले हो चुका है और ये भी स्क्रीन रिकॉर्ड चालू हो चुका है। तो जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अच्छे तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड करती है। इसको मैं कट कर देता हूँ, इस प्रकार से ये कट हो चुका है। अब मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड इसी में हो रहा है कुछ इस प्रकार से, देखिए ये सारा स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे हो रहा है। और मैं जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको बताया हूँ काफी बेहतरीन है और काफी अच्छा तरीके से ये काम करता है। तो आई होप जो आप लोग सोच रहे थे कि मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग किससे करूं, तो सबसे बेटर है अपने फोन से कर लिया कीजिए। और दोस्तों अपने फोन से, आपके फोन से ये नहीं पता मुझे कि आवाज आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अब इस एप्लीकेशन के थ्रू करते हो जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और जो करता हूँ, तो आपका वॉइस बाहर का भी अंदर का भी सारे वॉइस इसमें रिकॉर्ड होता है और अच्छा तरीके से क्वालिटी बाई क्वालिटी HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होती है स्क्रीन। और मैं वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूं, आप लोग देखते होंगे। तो यही था आप लोगों को नॉलेज देना आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना। इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्ती यारों तक, ताकि उनको भी पता लग सके स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है और बढ़िया से होती है। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना, यूजर आईडी है ganeshtech95, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।